कानपुर में छात्राओं को छेड़ने वाले शोहदे को बीच सड़क पर सबक सिखाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया। जानकारी ये कि ये शोहदा स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी किया करता था, जिन्हें मौके पर ही कुछ लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की गई। इसके बाद इन शोहदों ने माफी भी मांगी, इनसे माफी मंगवाई गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो शोहदा था वो अक्सर रोज छात्राओं को छेड़ता था, छेड़खानी करता था, और जब ये पब्लिक के हवाले चला तो पब्लिक ने इसे सबक सिखा दिया, माफी भी इससे मंगवाई। वही राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मनचला बदमाश लड़की को बेरहमी से पीटता दिख रहा है। वहां खड़े किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद थाना पीजीआई पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। शोहदे ने किस तरीके से लड़की की पिटाई की है उसका ये वीडियो सामने आया है। पीजीआई पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार हालांकि कर दिया है। पुलिस तक जब ये पूरा मामला पहुंचा उसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो स्कूल की छात्रा ये साफ नजर आ रही है इस वीडियो में, स्कूल ड्रेस में ये लड़की इस वक्त आप देख सकते हैं, और ये वीडियो वायरल हुआ है। इस शख्स ने इस लड़की की पिटाई की, जिसके बाद जैसे ही ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो जौनपुर में भी मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है। जानकारी की माने तो सवाई गांव में बुधवार को पेड़ काटने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मारपीट में दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इस मारपीट में दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल थी। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्राम समायन है, मामला है, वहाँ बबूल की डाल को लेकर दो पक्षों में विवाद भी मारपीट हुई है। उसमें दोनों तरफ से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई। उधर झांसी में एक युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस से संज्ञान लिया। अब इस पूरे मामले की बात में जांच की बात कही जा रही है। घटना टोडी फतेहपुर क्षेत्र की है, जहां मानवेंद्र ने गांव में धाक जमाने के मकसद से कैमरे के सामने बंदूक से फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक युवक जो है बंदूक से फायर करते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि उस युवक का नाम मानवेंद्र लोधी, पुत्र नन्हे राजा, निवासी तोड़ी नजरगंज, थाना तोड़ी फतेहपुर का है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर थाना तोड़ी फतेहपुर द्वारा जांच की जा रही, जांच उपरांत विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर सहारनपुर में छात्रों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो सहारनपुर के नागला थाना इलाके के दिल्ली मुजफ्फरनगर हाईवे पर स्थित एक निजी कॉलेज का है। वीडियो में छात्रों के एक गुट पर दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई की है। छात्रों की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। छात्र कॉलेज गेट के अंदर कूदकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं।